गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। शैल वी स्टार्ट? यस मैम। ओके, इन द लास्ट वीक वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इन द लास्ट वीक वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। एम आई राइट? पीआर, पब्लिक रिलेशन, ऐसा कुछ हमने स्टार्ट किया था, हाँ या ना? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन नहीं है, मैं आपको बाद में देखती हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको पहले पॉइंट लिखेंगे दैट नेक्स्ट पॉइंट रिलेशन विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रिलेशन विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिटर्न रिटर्न यस और नो? हाँ या ना? लिखा है? हेलो, लिखा है क्या? यस मैम। ओके, रिलेशन विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरह से है। आगे देखते हैं। कैपिटल इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस एंड द कंपनीज डिमांड फॉर कैपिटल इज फुलफिल्ड बाय द इन्वेस्टर एंड द क्रेडिटर्स। द क्रेडिटर्स कंस्टिट्यूट द बिगर ग्रुप हु अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर एंड द अदर पब्लिक इन अ बिग ब्रीफ। पब्लिसिटी डजंट इम्प्रेस व्हाइल देम पीआर मेक द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू देम। काय झालं काय झालं? And keeping these creditors in the dark or providing wrong information could balance in the form of lost credibility or bad impression. तो जैसे आपको कॉमर्स में आता होगा creditors and investors, am I right? Creditors and yes, investors. तो investor who are investors? Investor मतलब क्या? Investor मतलब क्या? जो कंपनी में मुस्कान, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। जो कम सॉरी महक, इन्वेस्टर मतलब क्या? आवाज ठीक से नहीं आ रही है। जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है वो। हाँ, और क्रेडिटर्स मतलब क्या? क्रेडिटर्स मतलब क्या? क्रेडिटर्स मतलब क्या? Which are called creditors. Credit मतलब क्या? आपको आता है ना investor, creditors, तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब क्या? Creditors का मतलब क्या बताइए मुझे। हेलो, creditors का मतलब क्या? क्रेडिटर्स का मतलब क्या? द पर्सन और द कंपनी फ्रॉम हू यू हैव बोरो द मनी, जिसके पास से हमने उधार लिया है। किंवा आपण पैसे उधारी वरती घेतो तर आपण काय म्हणतो? क्रेडिटर। कळलं का? हाँ, अंडरस्टैंड? यस मैम। नो, तो आपको सिंपल इतना भी नहीं आता है? आप कॉमर्स के स्टूडेंट, क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं, इन्वेस्टर किसको बोलते हैं, ये आपको पता नहीं? तो उसकी वजह से क्या होता है, रिलेशन विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स हम बोलते हैं कि अगर कोई कंपनी स्टार्ट करती है, स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए फाइनेंशियल हम क्या बोलते हैं कि फाइनेंशियल बैकबोन चाहिए, या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसा चाहिए। तो ये पैसा कौन देता है? इन्वेस्टर देता है, और हम बोलते हैं कि क्रेडिटर्स देते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आगे क्या लिखा है, द क्रेडिटर्स कंस्टिट्यूट द बिगर ग्रुप हु अफेक्ट द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर एंड अदर पब्लिक इन द बिग वे। तो क्रेडिटर्स ने जो डिसीजन लिया है, तो वो डिसीजन किस पे इम्पैक्ट होता है, कि इन्वेस्टर पे इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है या पब्लिक पे इम्पैक्ट हुए दिखाई देता है। मीन्स यहाँ पे हम जब बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि क्रेडिटर्स का काम क्या है, या हम बोलते हैं पब्लिक रिलेशन का काम क्या है, तो दे आर गोइंग टू गिव द रॉन्ग दे आर गोइंग टू गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू देम। सो अदरवाइज क्या होता है कि क्रेडिटर्स ना ही हम बोलते कि किसी को अंधेरे में नहीं रखना है, कि जब हम पैसों का व्यवहार करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। समझ में आया? अगर हमने हम किसी के साथ पैसों का व्यवहार करते हैं तो उसके टाइम पे या उसको वापस करना है या उससे लेना है, जब लेते हैं तब हम दैट वी आर रिक्वेस्टिंग। अब जब हम वापस करना चाहते हैं तो वी कांट थ्रेटन देम,
ओके okay, तो जितना आपने पैसा लिया है उसको आपको वापस करना है। तो ये जो क्लियर होना चाहिए, हम बोलते हैं कि जो पैसों का व्यवहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाला नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, पीआर आल्सो कंट्रीब्यूट इन द पब्लिक पब्लिसिटी नहीं दिखिए that PR also contributes the publicity in the campaigns before and after public issues release and preparation or draft and annual reports and publicizing company's plans, advertising, lobbying, leasing, publication, etc. तो PR का काम क्या है, public हम बोलते हैं कि public relation का काम क्या है, तो means हम बोलते हैं कि जब भी company का हम बोलते हैं कि कोई भी कंपनी स्टार्ट करने तो उसका प्लान्स है, एडवर्टाइजिंग है, लॉबिंग है या लेजिंग है, पब्लिकेशन है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके पहले भी, कंपनी स्टार्ट होने से पहले भी और कंपनी स्टार्ट होने के बाद भी पीआर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का एड निकालना है तो फिर वो क्या करेंगे, आप मुझे बताया पढ़ते हैं ना कॉमर्स में, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट में आप एडवर्टाइज देखते कि नहीं, एडवर्टाइज देखते कि नहीं, तो फिर आपको एडवर्टाइजमेंट, जैसे आपको 2 मिनट का एडवर्टाइजमेंट होता है या 1 मिनट का एडवर्टाइजमेंट होता है, तो आपको उसमें क्या दिखाई दे रहा है कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो आपको क्या पता चलता है उसमें से, क्या पता चलता है प्रोडक्ट के फीचर्स पता चलते हैं, और क्या पता चलता है फिर इंफॉर्मेशन। ओके दूसरा कैसे यूज करना है वो, कैसे यूज मींस यूटिलाइजेशन। ओके देन उसका क्या पता चलता है, फिर प्राइस पता चलता है। ओके देन और मींस हम बोलते हैं कि फीचर्स, प्रोडक्ट, फिर उसकी प्राइस, फिर उसका हम बोलते कि इस्तेमाल किस तरह से करना है, यूटिलाइजेशन। ओके वो हमें पता चलता है। लेकिन आप एक बात नोटिस करते हैं क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल जितना जैसे प्रोडक्ट का कलर होता है वैसे ही वहाँ पे जैसे जो रोल मॉडल होते हैं वहाँ पे वैसे उनके कलर मीन्स कपड़ों का भी कलर होता है, ये समझ में आपको? हेलो यस मैम। क्यों होता है, क्यों अट्रैक्शन यस, तो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए वैसे ही कपड़ों का कलर होता है। ओके तो हम अभी आगे बात करते हैं, लॉबिंग मतलब क्या, लॉबिंग एंड लेजिंग मतलब क्या, लेजिंग मतलब क्या टू वर्क क्लोजली विद द पर्टिकुलर पर्सन हु इज मीन्स व्हाट वी कैन से दैट आवर कलीग और ग्रुप और रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इट इज कॉल्ड लेजिंग। समझ में आया, इट इज कॉल्ड लेजिंग, समझ में आया? ओके तो ये पॉइंट आप लिख के रखेंगे। अभी पीआर कौन सी चीज पे कंट्रीब्यूशन देता है, एक तो है एडवर्टाइजिंग, लॉबिंग का मतलब क्या होता है, लॉबिंग हम जो लॉबी में खड़े रहते हैं वो लॉबिंग नहीं, लॉबिंग का मतलब क्या होता है लॉबिंग का मतलब होता है दैट एनी अटेंड बाय इंडिविजुअल्स और प्राइवेट इंटरेस्ट ग्रुप टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, क्या होता है, द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, विल यू राइट यस और नो, नो वन इज आंसरिंग। ओके तो सबसे पहले हम लॉबिंग का मतलब लिखेंगे, लॉबिंग मतलब एनी अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल्स और private interest groups to influence
डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, ओके, तो ये लॉबिंग हुआ. मीन्स पब्लिक रिलेशन या पीआर किस किस बात में या किस किस चीज़ों में कंपनी को कंट्रीब्यूट करता है. तो सबसे पहला पॉइंट है कि एडवर्टाइजिंग, दूसरा है लॉबिंग, तीसरा है लेजिंग और चौथा है पब्लिकेशन. ऑल दिस एफर्ट्स आर साइमल्टेनियसली टारगेटेड टू बिल्ड द फाइनेंशियल ओपिनियन लीडर्स इंक्लूडिंग एक्सपर्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, ब्रोकर्स एंड अमोंग द अदर्स. तो ये जब डिसीजन लिए जाते हैं कंपनी थ्रू, तो कंपनी अकेला अपना डिसीजन नहीं लेती है. तो कंपनी ऑल्सो टेक द डिसीजन विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, कि जो कंपनी के एक्सपर्ट होते हैं या हम बोलते हैं कि अदर रिसोर्स पर्सन होते हैं, उनसे उनसे एडवाइस लिया जाता है. फिर इंश्योरेंस कंपनी, फिर बैंक होते हैं, ब्रोकर होते हैं, तो इनसे सबसे एक दूसरे का रिलेशन जुड़ा हुआ है, वो सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं. समझा? यस मैम. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक रिलेशन या पीआर रिलेशन विद अदर बिजनेस ग्रुप. अपना एक ग्रुप बिजनेस ग्रुप है, तो दूसरे बिजनेस ग्रुप से किस तरह से व्यवहार होना चाहिए. दैट मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन विद द बिजनेस पर्सन और अ ग्रुप इन द मार्केट इज समथिंग हार्ड टू अचीव, बट द प्रोफेशनल एथिक्स डिमांड दैट देयर इज अ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस कॉम्पिटिटर्स. बिजनेस ग्रुप मस्ट लर्न कोएग्जिस्ट विदाउट स्ट्रेन. तो जैसे मैंने जैसे हम बोलते कि वी आर कंज्यूमर, ओके, एट वन हैंड वी आर कंज्यूमर, एट वन हैंड वी आर ओनर ऑल्सो, किसी की और की दुकान भी होंगी. तो जैसे मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए, जैसे मार्केट में कॉम्पिटिशन करने के लिए आपको हर जगह एक तरह की दुकानें दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है, एक तरह की दुकानें दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है, हाँ या ना? यस मैम. ओके. यस मैम. सो क्या करते हैं कि अपना एक बिजनेस ग्रुप है, तो दूसरे बिजनेस ग्रुप से मार्केट में उनके साथ कंपटीशन में बनाए रखना और उनके साथ रिलेशन अच्छा रखना, तो एक हम बोलते हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फेस्टिवल टाइम पे, जैसे बिग बाज़ार हैं या डी मार्ट हैं या हम बोलते हैं कि जो मॉल्स हैं, तो वो सेल निकालते कि नहीं? सेल निकालते हैं ना, पर्टिकुलर डेट पे सेल निकालते हैं ना. सो दैट मोस्ट प्रोबेबली द पर्सन, दैट मोस्ट प्रोबेबली द पीपल go towards that big bazaar and something that demand that the things which are or the groceries which are in the same, and they buy it. And what will happen in the local markets, they are also earning, but they are earning less than demand and big bazaar, but they compete with the big bazaar, they compete with the demand. They can't do this, that they shut down the shutter of that particular shop and they will sit at the home. Understand? Yes, ma'am. हाँ, तो मार्केट में कॉम्पिटिशन बनाने के लिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आगे है और हम पीछे, तो हम अपना दुकान बंद करके नहीं बैठ जाएंगे. फिर हम क्या करेंगे कि हमें और उसमें क्या क्या बढ़ोतरी करनी चाहिए या किस तरह से हमें बेचना चाहिए, क्या चीज़ें उस टाइम अवेलेबल होना चाहिए, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए. समझ में आ रहे हैं? ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटी रिलेशन. कम्युनिटी रिलेशन कैसा होना चाहिए? द कॉरपोरेट वर्ल्ड इज सोशल फिनोमेनन. फॉर दिस रीजन द कॉरपोरेट कम्युनिटी कैन नॉट एफर्ट टू बी द इनडिफरेंट टूवर्ड्स द सोसाइटी. हियर द एथिक्स एंड मोरल ड्यूटी कम इन टू द प्ले. द प्रैक्टिस ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिगार्डेड एज पी आर टास्क, वेयर द कंपनी अंडरटेक द एक्टिविटीज outside its scope of the business existence. The primary purpose of these activities remain earning goodwill and supported by that establishing itself a responsible company sensitive to the society. तो जब हम corporate world की बात करते हैं या corporate world की बात करते हैं, so it is related to social phenomenon. It is related to social phenomenon because every person is coming from the different community. Am I right?
Every person yes, is coming from the different community, different culture, different background, different views, different opinion. Am I right, na? Huh. Yes, ma'am. So, for them, that most probably that ethics here, moral duties. What are your moral duties? What are your ethics? Ethics plays the important role. Though you are coming from the different community, but for everybody, for every individual, moral duty is more important. But sometimes what happens in the corporate world, that some people that when we put the what we can say, they don't consider that moral ethics, or they don't consider the ethics. They are just playing with the person as like a game. Okay, अपना मतलब निकालना है, तब तक बोलना है, फिर क्या करना है? जैसे for example, अगर किसी से उसके जैसे for example किसी को हम बोलते कि for example कार के बारे में, या हम बोलते कि कोई चीज लेनी है या कोई मशीन लेना है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे? तो वो पर्सन क्या करेगा कि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालेगा कार की वगैरह. अगर कार की इंफॉर्मेशन निकल गई, उसको वो पता देगा, तो वो कहाँ पे जाएगा? दूसरी और पे जाएगा कि और वहाँ पे उसको कार खरीदनी है, तो उसकी कार की इंफॉर्मेशन निकालेगा, फिर उसको कंपेरिजन करेगा, और जिसमें से जिसका हम बोलते हैं कि फॉर्मेट अच्छा है, वहाँ पे वो कार लेना पसंद करेगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? समझ में आ रहे हैं? मोरल एथिक्स, यस मैम, मोरल ड्यूटीज. यहाँ पे आपकी अपनी इंफॉर्मेशन है के लिए वो बात सही है. ओके, यू आर एज अ कंज्यूमर, यू आर going there and you are taking information from the other person, it is a good thing. But the person who always help you, okay, in every step of your life or whatever you need at that time, he or she provide you that at that time your what we can say that aapka paiso ka vyavhar ya aapki morality kya hoti hai, first preference kya hota hai ki us vyakti ko hamesha us vyakti ne aapke liye jo kiya hai to uske bare mein कुछ दो शब्द हैं, या हम बोलते हैं कि उसके बारे में कुछ अच्छा बोला जाए, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस मैम. ओके, यस मैम. कि फॉर एग्जांपल, दूसरे एक एग्जांपल देती हूँ. एक कंप्यूटर की कंपनी है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ लिए हुए हैं. कि फॉर एग्जाम्पल 15 कंप्यूटर्स लिए हुए हैं, बस 15 कंप्यूटर्स में से 2 कंप्यूटर ठीक से नहीं चल रहे हैं. ओके, 15 कंप्यूटर्स में से 2 कंप्यूटर ठीक से नहीं चल रहे हैं, तो जो वहाँ पे काम करता है कि फॉर एग्जांपल जो लोग वहाँ पे कंप्यूटर्स के साथ काम करते हैं, तो वो लोगों को आपस में बात करके जो हम बोलते हैं कि जो कंपनी के मालिक हैं उनके साथ बात करनी चाहिए. एम आई राइट? का तो yes, एक तो इसमें से ये ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर वहाँ पे रिपेयर करवाया जाए, यहाँ पे रिपेयर नहीं हो रहा है तो फिर नया कंप्यूटर लाया जाए. ओके, नया कंप्यूटर वहाँ पे बिठाया जाए, एक ये सॉल्यूशन हो सकता है. पर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन जैसे गलत पहुंच जाती है, एक जगह से जब दूसरी जगह गलत इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, नहीं उसमें हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जो जिस व्यक्ति को पता कि ये कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा है, उसने दूसरे आदमी को नहीं बताया, अपने मीन्स हम बोलते कि उसके कलीग को नहीं बताया जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, या उसको पता है, पर आपस में हम बोलते कि अगर यूनिटी नहीं हुआ, इंटीग्रिटी नहीं हुआ, तो फिर वो जो कंपनी का जो फायदा या नुकसान होगा वो दोनों पे इम्पैक्ट करेगा. कंपनी का फायदा yes, होगा या नुकसान होगा वो दोनों पे इम्पैक्ट करेगा. दे आर एम्प्लॉय वहाँ पे एम्प्लॉय की तरह पे काम करते हैं, तो सबका जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का लॉस तो एम्प्लॉय का लॉस, कंपनी का फायदा तो उनका भी फायदा. समझ में आ रहे हैं? सो एथिक्स मीन्स यू हैव टू प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल की ऑनेस्टी, हम बोलते कि ट्रांसपेरेंसी, वो वहाँ पे होना चाहिए. तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कभी कभी ये दिखाई नहीं देता है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज द एरिया ऑफ कम्युनिटी पीआर कैन नॉट बी लिमिटेड. इट कंपासेस द चैरिटी, एंडोमेंट, स्कॉलरशिप, फिलान्थ्रॉपिक एक्टिविटीज एंड सोशल कंपेंस मीन्स एड्स अवेयरनेस, हाइजीन एक्सेट्रा, and support to the state administration to solve the local problems, adoption of the villages, slums, etc. for the development of the work, special events, health, medical camps, hobby classes, awareness rallies, that national integration and other communication activities to convey the
कंपनीज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स द कम्युनिटी. तो जहाँ पे लोग काम करते हैं कम्युनिटी, जब हम बोलते हैं कि जो लोग काम करते हैं कंपनी के लिए काम करते हैं, तो कंपनी का क्या जिम्मेदारी है? तो कंपनी का जिम्मेदारी है कि फॉर एग्जांपल चैरिटी है, फिर हम बोलते हैं कि एंडोमेंट है, स्कॉलरशिप है, फिलान्थ्रोपिक एक्टिविटीज़ हैं, सोशल कैंपेन अवेयरनेस है, हाइजीन है, तो वो सब प्रोवाइड करने की फैसिलिटी, सॉरी ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करने का कंपनी को किसको प्रोवाइड करना चाहिए? अपने एम्प्लॉय को. कि फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति की जो जिम्मेदारी किसकी होती है? कंपनी की होती है. कि फॉर एग्जांपल वो बच्चों से काम कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल उसकी हाइजीन को लेके, या उसकी हेल्थ, हम बोलते हैं कि हेल्थ को लेके उसका कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो फिर थोड़ा सा जिम्मेदारी कंपनी वहाँ पे ले, कंपनी को लेना चाहिए. दूसरा है हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कि सपोर्ट टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टू सॉल्व द लोकल प्रॉब्लम्स. कि फॉर एग्जांपल लोकल प्रॉब्लम्स क्या है? कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो, तो प्रोडक्ट लोकल मार्केट्स में चल रहे हैं या नहीं चल रहे, या उनकी उसका लिमिटेशन कितना है, या लोकल मार्केट में उसका क्या डिमांड है, वो कंपनी को देखना चाहिए. देन अडॉप्शन ऑफ द विलेज एंड स्लम्स. तो सिर्फ टाउन या सिटीज़ में नहीं, लेकिन विलेज और स्लम्स एरिया में भी उसका हम बोलते कि वो अवेयरनेस पहुंचना चाहिए. कि फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर, डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, आर यू लिसनिंग टू मी? जैसे फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर, तो सैनिटाइजर अभी आप सभी के लिए क्या हो गया है? कंपलसरी हो गया है. कि गांव में हो या शहर में हो, या छोटे गांव में या बड़े शहर में, सबके पास या सबके घर में सैनिटाइजर होना जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी सिचुएशन कोविड-19 की वजह से हमने क्या सीखा? हेल्थ और हाइजीन टूवर्ड्स, हमें अवेयरनेस टूवर्ड्स हेल्थ एंड हाइजीन, वो सबके लिए कंपलसरी है. लेकिन जब हम उसको इग्नोर करते हैं तो फिर क्या होता है? वो हमारे पास आता है. तो इससे बेटर है कि हम अपना ध्यान खुद रखें. तो सपोज एक कंपनी ये सैनिटाइजर बना रही है, लोकल मार्केट में उसका डिमांड है, उसका प्रोडक्ट चल रहा है, तो उसको प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो कंपनी की है. समझ में आया? वो भी हम बोलते कि रिजनेबल रेट पे. ज़्यादा दाम होगा तो भी लोकल मार्केट में वो नहीं चलेगा, और हम बोलते कि गाँव में तो वो बिल्कुल भी नहीं खरीदा जाएगा. तो प्राइस कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए. समझ में आया? एंड लास्ट वाला कंज्यूमर रिलेशन मतलब क्या? द कंज्यूमर कल्चर हैज स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कंज्यूमर राइट्स, एंड द कंपनीज हैव इंटेंसिफाइड एफर्ट्स टू सेटिस्फाई कस्टमर. द कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो वर्क ऑन द toes to redress the consumer grievance, while companies are legally bound to serve in the interest of the consumer. तो कंपनी और कंज्यूमर एक दोनों से जुड़े हुए हैं. जितना डिमांड उतना सप्लाई, जैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं डिमांड और सप्लाई, कंज्यूमर और कंपनी. ओके, तो कंपनी का काम क्या है? कि कंज्यूमर को इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना. जितना कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होगा उतना कंपनी को फायदा होगा. लेकिन आज क्या हो रहा है मार्केट में? वैरायटी बढ़ रही है, मल्टीपल वैरायटीज आर अवेलेबल इन द मार्केट, द पीपल आर डिमांडिंग मल्टीपल वैरायटीज, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी कंपनी टू रीच द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट. कि हर एक मीन समझते कि फॉर एग्जांपल जैसे जितना ज़्यादा वैरायटी होता है उतना ज़्यादा हम बोलते कि माल बिकेगा या नहीं बिका, माल बिकेगा इतना ज़रूरी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अगर किसी चीज़ को लेना है, कि फॉर एग्जांपल हम गांव में जा रहे हैं और गांव में एक छोटा सा दुकान है, वहां पे जैसे हम बोलते कि राशन का दुकान है, वहां पे सब कुछ मिल जाता है, टूथपेस्ट मिल जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह, जितना उनका नीड्स होता है, जितना उनका बजट होता है वो मिल जाता है. लेकिन वहां पे हाईफाई चीज़ें रखी जाए तो गाँव वाले खरीदेंगे एज अ कंज्यूमर? गाँव वाले नहीं खरीदेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल हम सिटीज़ की बात करते हैं, हमारा एक दापोली छोटा शहर है, तो जहाँ पे हमको जितना चाहिए वो सब चीज़ें हमको क्या हो जाता है? अवेलेबल हो जाता है. एम आई राइट? ना, सब चीज़ें हमको मिल जाता है. लेकिन एकदम हाई प्रोडक्ट, या हम बोलते कि हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट रख दिया,
तो यहाँ पे वो लोकल कम्युनिटी खरीद पाएगी, लोकल कम्युनिटी खरीद पाएंगी? नो मैम, नो. व्हाई? बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली. ओनली सम ऑफ देम, दोज हु बिलोंगिंग टू द रॉयल फैमिली, दे कैन परचेज दैट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. समझ में आ रहे हैं? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट तो वो ही खरीद सकते हैं. बाकी के बाकी के कंज्यूमर क्या करेंगे? बाकी के कंज्यूमर क्या हो जाएंगे? उसके छूट जाएंगे ना, उसके छूट जाएंगे. कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला कि हम बोलते हैं कि ग्रोसरी जब हम लेते हैं, ग्रोसरी सबके घर में भरा जाता है, उसको रखा जाता है. तो कोई फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि चना दाल है, हमको चना दाल लेना है. तो फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोग हम बोलते हैं कि थोड़ा 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 लेते हैं, फिर 8 दिन के बाद आते हैं, या कि कुछ लोग हम बोलते हैं कि 5 किलो भर के रखते हैं, या कुछ लोग हम बोलते हैं कि 25 किलो भर के भी रखते हैं. तो इस टाइप का कस्टमर आपको यहाँ पे सोसाइटी में दिखाई देता है, सोसाइटी में दिखाई देता है. तो जैसे उसकी ज़रूरत होती है, जैसे उसकी नीड होती है, आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए. समझ में आया? समझ में आया? हाँ, दैट इज़ द थिंग. तो इससे आपको समझ में आएगा. देन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर, कन्वेइंग द आउटकम्स टू द पर्सनल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, वाइल स्टिम्युलेटिंग एंड पर्सुएटिंग द मैनेजमेंट टू अडॉप्ट द कंज्यूमर डिमांड इन द टर्म्स ऑफ इमेज, क्वालिटी, प्राइस एंड अवेबिलिटी. तो मोस्ट प्रोबेबली कंज्यूमर के लिए प्राइस, अवेबिलिटी, क्वालिटी और उसकी इमेज, जैसे हम एडवर्टाइज देखते हैं तो उसके हिसाब से वो अपना एक इमेज वो प्रोडक्ट का लेके बनाता है. कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी हम बोलते हैं कि जैसे बोलना हो तो कोई भी क्रीम लगाते हैं या जो कोई क्रीम हम इस्तेमाल करते हैं, वी इन द इनिशियली वी परचेस इट, बट समटाइम्स आफ्टर यूजिंग दैट नो इट डजंट सुटेबल टू माई स्किन. ये हमको समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ या ना? यस मैम, इट डजंट सुटेबल टू माई स्किन. सो वेन एवर वी गो फॉर द नेक्स्ट टाइम इन दैट पर्टिकुलर शॉप, वी विल नॉट बाय दैट और वी विल नॉट परचेज द सेम थिंग. अंडरस्टैंड? सेम क्रीम, वी विल परचेज द समथिंग एल्स. कि फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल से एक एग्जाम्पल देना हो तो जैसे हम बोलते हैं कि ऑल आउट, ऑल आउट सबके घर में होता है, ऑल आउट मच्छर मारने का जो हम बोलते हैं, या हाँ या ना? हेलो हेलो. मच्छर मारने के लिए जो हम ऑल आउट इस्तेमाल करते हैं, ऑल आउट. ओके, तो कुछ ऑल आउट इस्तेमाल करते हैं, कुछ क्या प्रिफर करते हैं? कि फॉर एग्जांपल जो मच्छर हम बोलते हैं कि मच्छर हम बोलते हैं कि अगरबत्ती आते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, या कोई गुड नाइट इस्तेमाल करते हैं, या दूसरा हम बोलते हैं कि कॉइल भी आता है. हाँ, कॉइल आता है वो इस्तेमाल करते हैं. तो इसी तरह से जैसे जो कंज्यूमर को जो चाहिए वही खरीदता है, वी कांट फोर्स देम टू परचेज द सेम थिंग. ओके, कि सबके लिए गुड नाइट खरीदना, या हम बोलते हैं कि सबके लिए जैसे गांव में आप कहीं गए या पूरा मीन्स छोटा सा गांव है तो वहां पे आपको गुड नाइट नहीं मिलेगा, वहां पे आपको शायद कॉइल मिलेगी, अगरबत्ती मिलेगी. सो दैट इज द थिंग, कि जैसा कंज्यूमर की अवेलेबिलिटी, जैसा प्राइस, हम बोलते हैं कि इमेज, क्वालिटी, उसको जैसा चाहिए वैसा ही प्रोवाइड किया जाता है. समझ में आया? यस मैम, समझ में आया. ओके, आगे देखते हैं. द नेक्स्ट न्यू पॉइंट इज मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल पीआर. अभी एक्सटर्नल पीआर मतलब क्या? तो उसके पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है थ्रू कम्युनिटी रिलेशन. तो उसमें भी सब पॉइंट्स हैं. थ्रू कम्युनिटी रिलेशन में सबसे पहला पॉइंट है स्टेजिंग एंड ओपन हाउस. कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, डीलर्स, कम्युनिटी लीडर्स, अदर्स इन द सेम इंडस्ट्री, द लोकल प्रेस and all who want to know about the organization are invited to visit the plant site and office of the organization in the particular day. The visitors are invited to see the excellent and sanitary condition in the factory, and the students may even show the process of manufacturer. The open house provides that personal touch which is very valuable for the building goodwill. तो एक्सटर्नल हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल मेजर पीआर, तो पब्लिक रिलेशन किस तरह से बढ़ाई जाए? तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें स्टेजिंग एंड ओपन हाउस. स्टेजिंग एंड ओपन हाउस की फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर को, शेयर होल्डर को, सप्लायर्स को, डीलर्स को,
कम्युनिटी लीडर्स को, या हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल शायद आपकी एक शायद आप जब स्कूल में हो तो आपके कभी पिकनिक भी गई हो, तो हम बोलते हैं कि जैसे वन डे पिकनिक हो, तो ये कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या हम बोलते हैं कि इंडस्ट्री में आपको विजिट करवाया जाता है, तो जिसकी वजह से कंपनी का, हम बोलते हैं कि कंपनी का एक गुडविल या हम बोलते हैं कि एक अच्छा इमेज मार्केट में खड़ा होता है। और दूसरा होता है कि बाकी के जो लोग होते हैं, तो बच्चों को या फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जो डीलर्स हैं या हम बोलते हैं कि लोकल लीडर्स है, कम्युनिटी लीडर्स है, उन सबको वैसे पता चलता है कि हाँ कंपनी में किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली दैट मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि डिस्कवरी पे हम ज़्यादातर जब देखते हैं कि फूड फैक्ट्री हो, या हम बोलते हैं कि जैसे मैंने आपको जैसे परफ्यूम बनाने की इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे है, या हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कॉटन इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे हैं, या फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जैसे साइकिल, या हम बोलते हैं कि जो हीरो हम बोलते हैं कि बाइक्स वगैरह बने की इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे कभी कभी विजिट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ इस तरह का यहाँ पे काम होता है, इस तरह का यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, एक बाइक बनने में कितना दिन लगता है वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आपको मेरा खुद का एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल जब हम लोग छोटे थे या हम जब स्कूल में थे, तो हमारे लिए फॉर एग्जांपल कि हमारे गाँव में अमूल डेयरी है, तो अमूल डेयरी में जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होता है, या उसका हम बोलते हैं कि बटर किस तरह से बनाया, उसका चॉकलेट किस तरह से बनाया जाता है, दूध को किस तरह से उबाला जाता है, या पूरा हम बोलते हैं कि वो एक डिपार्टमेंट अलग होता है जहाँ पे आपको विजिट के लिए लेकर जाते हैं टीचर, तभी आपको पता है कि हाँ यहाँ पे ऐसे इस तरह से बनते हैं। सो जैसे हम विजिट करते हैं वैसे डीलर्स है या हम बोलते हैं सप्लायर्स है, शेयर होल्डर्स है, तो इसकी वजह से क्या होता है उनका और कंपनी का रिलेशन कैसा होता है, बॉन्डिंग कैसा होता है, अच्छा होता है। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, सो दूसरा पॉइंट है फेयर्स, शोज एंड एग्जीबिशन। एवरीवन लव्स टू वॉच द शो एंड पैरेड, दैट द बिजनेसमैन शुड लर्न टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट हिज ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द पब्लिक। इफ कैन नॉट एफोर्ड द ऑर्गेनाइजेशन सच अ फेयर और एग्जीबिशन ऑन हिज ओन, दैट ही शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू हायर द स्टॉल एंड द ट्रेड or industrial exhibition that may be organized by the government or the chamber of the commerce. Care should be taken to see the exhibition is not a dull one. The entertainment for children, contents of the skill, refreshment stalls and every catching display all help to make the exhibition attractive. So fair shows and exhibition, say for example, aap kabhi एग्जीबिशन में जाते हैं, डू यू विजिट द एग्जीबिशन? यस और नो? हेलो, डू यू विजिट द एग्जीबिशन? यस मैम। व्हाट डू यू सी देयर? यस मैम। व्हाट डू यू एक्सपीरियंस देयर? व्हाट डू यू सी देयर एंड व्हाट डू यू एक्सपीरियंस देयर? क्या सोचते हैं आप? एंटरटेनमेंट, फॉर एंटरटेनमेंट यू आर गोइंग इन द एग्जीबिशन, एम आई राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यस और नो? हाँ या ना? यस मैम। देन सेकेंड पॉइंट इज रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स, नाश्ता, रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स, खाना पीना। यस मैम। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि फॉर एग्जाम्पल कभी कभी कंटेंट्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते कि जैसे गुब्बारे होते हैं या गुब्बारों को उड़ाना है, या हम बोलते कि कंटेंट्स ऑफ स्किल्स, वो भी होता है कि नहीं? हाँ या ना? मेले में होता है कि नहीं? यस। और दूसरा है आई कैचिंग स्टॉल्स मीन्स आई कैचिंग डिस्प्ले, कि जो जल्दी से आपको अट्रैक्ट करता है, फॉर एग्जांपल एनीथिंग रिलेटेड टू आवर डेली कोर्स और रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ, कि जो आपको अट्रैक्ट करता है, मीन्स एज अ कंज्यूमर यू हैव your mind will attract that person, attract that things and you are going to purchase that thing. Ki aapka man ho jata hai abhi kharid le. Am I right?
एमआरआई, पर उसके साथ साथ ये कंपनी के कुछ हम बोलते कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे स्टॉल्स भी होते हैं, या हम बोलते कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल यूटेंसिल्स हैं या सोलर सिस्टम है, या हम बोलते कि जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं कि फॉर एग्जांपल मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे तो एग्जीबिशंस में हम कि जैसे क्या बोलते हैं कि क्या बोलते चल अपन म्हणतो की गॅसची शेगडी वगैरे असं सगळं विकायला ठेवतात, हो की नाही? हो की नाही? तुम्ही गेलात कधी इथलं दापोलीतलं एक्झिबिशन्समध्ये, फेअर एक्झिबिशन्समध्ये किंवा एक्झिबिशन्समध्ये गेलात का? विजिट केलेत? हां, तेव्हा तुम्हाला ते बघायला मिळतं की हा बाबा गॅसची शेगडी ठेवली एका जागेवरती, एका जागेवरती कपडे ठेवलेले, एका जागेवरती बऱ्याच गोष्टी ठेवल्या की ज्या आपण डेली लाईफमध्ये वापरतो त्या, मग अशा काही गोष्टी असतात की ज्या आपल्याला खरंच खरेदी करायला तात्कालिक आवडतात किंवा लगेच आपण ते खरेदी करून टाकतो, अशाही काही गोष्टी असतात, रिप्लेसमेंट स्टॉल्स असतात. सो ॲज अ पार्ट ऑफ मार्केट, जो आपण म्हणतो की कंपनी मार्केट का एक पार्ट है, तो कंपनी का ये अपॉर्च्युनिटी मिस नहीं करना चाहिए, समझा? कंपनी को ये अपॉर्च्युनिटी मिस नहीं करना चाहिए. ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर. ओके, वी शैल कंटिन्यू टुमारो. वी स्क्रीन. ओके.